हाँ मारो ठीक है, थैंक यू। अरे रुको 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 मुकेश जी, ये वो इंसान है मुझे कह के ये क्यों नहीं बनती हो। ગુજરાતી सब सामने देखिए, सब सामने देखिए। ओके आ जाओ इंटरव्यू इंटरव्यू। अरे मैं आया हूँ, मैं बहुत कम आता प्रीमियर पे, तो मेरा भाई है छोटा और बड़ी खुशी की बात है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, इसलिए आया हूँ। रिलेटेड है, बहुत रिलेटेड आदमी है, एक्टिंग के वक्त भी हम लोग एक दूसरे से मशवरा करते रहते हैं। अरे आप ये मान सकते हैं, मैं तो हमेशा सीखा हूँ, आप नहीं मानेंगे। हाँ आई नो आप नहीं मानेंगे, मैं जब मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारती करता, लेकिन अभी भी है। तो जब से मैंने फिल्म देख रहा था, तो इनकी फिल्में देख रहा था, मुझे आज भी याद है खोखा खोखा वन सपोना खोखा है ना, और उसके बाद जो ये था वो मैं स्कूल में करता था। मैंने इससे पूछा भाई मेरे को पिक्चर में क्यों नहीं लिया, कहता जी मेरी पिक्चर बड़ी साफ सुथरी है इसलिए आपको नहीं लेता। नहीं, और मैं जो काम करता हूँ आप सबको मालूम ही है। ये मुझे यकीन है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैंने ये फिल्म छोटे से शुरुआत इसलिए की कि मुझे मेरा बजट बहुत कम था, एंड आप पिक शर्मिंदा कर रहे हैं बजट की बात नहीं, बजट की बात नहीं, फिल्म मेकिंग बजट की, मैंने सही बोल दिया है और फिल्म ये चले चलेगी चलेगी। इन जो लेजेंड्स के साथ मैं काम करना चाहता हूँ उनको मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम, एंड आई होप आप लोग जो सामने वो ऑडियंस देख रही है वो मेरा हेल्प करें, यू शुड हेल्प मी आउट टू बी अ गुड डायरेक्टर, आई कैन वर्क विद दिस लेजेंड्स। लवली सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बिकॉज दिस माई फर्स्ट फॉलिंग फिल्म में कर रहा हूँ और इतने सीनियर एक्टर्स मेरे सामने, इतने एक्सपीरियंस एक्टर मेरे सामने, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।
और यू कैन यू नो फील माई हार्ट बीट इज जस्ट पंपिंग आउट. थैंक यू सो मच. सो सो व्हाट यू टू से मतलब एज अ एक्टर कैसे मेंटोर किया आपको, कैसे गाइड करते ऑन द सेट्स? सर ने बहुत अच्छे से एक्चुअली मैं इनको एज ए मेंटोर ही देखता हूँ क्योंकि डायरेक्टर सर मतलब जब एज ए डायरेक्टर एज ए एक्टर तो हम देखते आए थे टाइम तक सर को, बट जब एज ए डायरेक्टर सर थे तो बहुत ज़्यादा हमें कम्फर्ट जोन में रखा, बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में सीन्स को समझाना और बहुत अच्छे से फिल्म को प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन लेके आना और आज फिल्म रिलीज है फाइनली. तो सर का बहुत बड़ा इसमें मैं बोलूँगा कि दे हेल्प अस अ लॉट फॉर दिस फिल्म. इतनी अच्छी बात है कि अगर डायरेक्टर के तौर पर अगर वो अपनी किस्मत आजमाते हैं भले ही उन्हें कामयाब मिले ना मिले, बट दे शुड ट्राई. क्या होता है कि इफ यू आर ऑन द सेट व्हेन यू आर एक्टिंग यू आर ऑब्जर्विंग दैट बिकम्स ईजियर एंड कॉन्फिडेंस होता है आदमी का, जो से निकलता है, जो इंटेलिजेंट होता है. देखिए वैसे डायरेक्टर काफ़ी चला अभी डायरेक्टर चले तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है, आप पिक्चर देखिए उसका अवसर बढ़ाइए ताकि नेक्स्ट पिक्चर मुझे भी चांस मिले. गोपी साथ हैं शिवाजी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और अनिल का भी आज फ्रेंड हुआ हूँ इनको मैं ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए और मेरी शुभकामनाएं कि ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट जाए और लोगों को शिवाजी माने जो अब तक कलाकार गंदे कलाकार माने स्वीट और गंदे कलाकार और आज बैटमैन तो अब के बाद माने इनको डायरेक्टर के तरफ भी सराहा जाए, उनकी फिल्म देखें और सुना है अब देखेंगे काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है और ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि नए नए डायरेक्टर्स नए कलाकार नए प्रोड्यूसर्स नए राइटर्स नए लिरिक्स राइटर्स सबको आप प्रमोट करें क्योंकि इससे सब कुछ आपके हाथ में है हम लोगों को आगे बढ़ाना. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई लिख के नहीं आता कि ये बड़ा है ये बड़ा है मैं बड़ा हूँ, जब उनका टैलेंट दिखाते हैं तब आपको पता चलता है. तो टैलेंट उनका सराह है और उनका आगे बढ़ने में मदद करें. बाकी ऑल द बेस्ट टू शिवाजी एंड द हीरो एंड इज अ वेरी गुड कॉमिक एक्टर और करेक्ट आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं. तो मुझे ना ऐसे ऐसे एक्टरों के साथ काम करना है जो अपने आप में मुझे प्लीज 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 ज़रूर ये अपनी सिनेमा थिएटर्स में फिल्म देखने जाएं बिकॉज एज अ न्यू एक्टर हमें इंडस्ट्री में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है. आप लोगों को जितना सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली हम आपको और एंटरटेन कर पाएंगे अगली फिल्म. सो गाइस प्लीज सपोर्ट अस एंड गो एंड वॉच आवर फिल्म्स. थैंक यू. आज पता लगा जब शिवा मुंबई में पहली बार आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, जब फिल्मों में आए भी नहीं थे तब के मेरे मित्र हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है एज ए डायरेक्टर वो पहली पिक्चर अपना ये बना रहे हैं कैंडी ट्विस्ट और के हीरो यहाँ पर मौजूद हमारे इस फिल्म के, मुझे बहुत खुशी हो रही है. शिवा मेरी जान तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत उन्होंने मुझे बुलाया याद करके बड़ी बात है. सर मैं बता रहा हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए नहीं थे तब से मैं जानता हूँ. कभी चिकना ऐसा बैग लेके घूमता था यूँ बिल्कुल बिल्कुल. अभी इनके दिमाग में बात आनी चाहिए ना, हम कैसे बोलेंगे, हम तो इस तरफ कभी गए नहीं. सर आप सोचो कि अगर मैं ऐसे लेजेंड्स के साथ काम करूंगा वेयर आई रिलीज, बिकॉज इनमें इतनी एक्सपर्टीज है, इनमें इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कितने भी लेयर वाले कैरेक्टर लाऊंगा वो बाखूबी निकाले. और मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें भरी हुई है क्योंकि इतने साल से एज एन एक्टर हूँ मैं, तो एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे अभी एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करना है, तो मैं अपने अलग अलग कैरेक्टर्स इन किरदारों में देख सकता हूँ. ये बात कर रहे हैं, आज के जमाने में
नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेडी क्या है, अभी लोग हंसना चाहते हैं, यहाँ यहाँ तक के न्यूज़ में भी हंसना चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में भी बोलते कुछ हंसा उनको, अगर उसमें कॉमेडी ना हो तो आज चैनल मतलब रिमोट ये कर देते हैं। तो कॉमेडी क्या है, आज के लोग जो है ना टेंशन के दौर में लोग हर बात में हंसना चाहते हैं, कुछ कड़वी बात हो तीखी बात हो उसमें भी कॉमेडी चाहिए, तो इसके लिए हमारे विलन और हीरो भी कॉमेडी करते हैं ताकि पूरी फिल्म जो है लोग हंसते खेलते देख के निकले। आप हमको स्टोरी समझाओ लेकिन हंसते हंसते समझाओ, ये लोगों के लिए हो गया है। तो इसलिए कॉमेडी को कॉमेडी बिगनिंग से लेके एंड तक होता ही, ये जरूरी नहीं कि विलन ने कॉमेडी कर सकते हैं, क्यों नहीं, कॉमेडी पहले से होती आई है, अभी ज़्यादा हो गया क्या, दिलीप कुमार साहब ने कॉमेडी नहीं की, विलन जीवन साहब ने कॉमेडी नहीं की, सब ने कॉमेडी की, ओम प्रकाश जी करते थे, जितने विलन थे अभी प्रेम चोपड़ा ने कॉमेडी नहीं की है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दौर है। तो आज कॉमेडी हर चैनल में कॉमेडी 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 लोग हंसना चाहते हैं। इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी कहानी है, और बिकॉज आजकल जिस सर ने बोला कि आज कॉमेडी लोग हंसना चाहते हैं, दे वॉन्ट एन एंटरटेनमेंट, दे डोंट टू क्राई, सो ये फिल्म के बाद जो एंटरटेनमेंट दिया मैंने, ये थ्रिलर बनाया है, बट नाउ आई वॉन्ट टू प्ले इन अ डिफरेंट जॉनर, तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी दो तीन ऐसी कहानी बना ली है जिसमें ये सारे किरदार ऐसे हंसाएंगे आपको, मतलब वेट फॉर 2020 एंड एंड देयर विल बी अ ब्रिलियंट रोलर कोस्टर फिल्म विद एक्टर्स लाइक हिम। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। नितिन मोदी सर, नितिन सर हड़ी आए क्या, हड़ी नितिन सर, नितिन सर आइए ना, आइए आइए, अरे विक्की जी और राहुल जी, विक्की और राहुल जी काम कर रहा, बोलो काम कर रहा, अरे जो गुजरात से आए विक्की जी, विक्की एंड सर, शिवा सर इज नाउ और पहले भी लाइक आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एल्डर ब्रदर, बट आफ्टर वर्किंग विद हिम ऑन दिस फिल्म आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड के आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एंड यू ऑलवेज टेल मी यार दिनेरो एश यू जस्ट फॉलो व्हाट आई टेल यू एंड उसके बाद अगर तेरे को कहीं पर भी कोई कठिनाइयाँ आएगी यू लेट मी नो एंड आई वर्क ऑन अ सेट विद हिम एज एन एक्टर एज अ मूवी डायरेक्टर और एज अ सिंगर और अ राइटर व्हाटएवर बट ही इज अ सेकंड गॉड टू मी जस्ट टू बी ऑनेस्ट बिकॉज लाइक इनसे तो मैंने बहुत सीखा है ये मेरी पहली फिल्म है और वी आर मिसिंग अनदर डायरेक्टर हियर ग्रेग जॉन आवर राइटर्स दीपिका एंड रेस्ट ऑफ द टीम नीतू इज हियर बट I'll tell you something. This man on my left side and this man on my right side, yehi hain wo do khufiya insaan jinhone ye sab plan banaya, jinhone isko execute kiya aur itne pyar se execute kiya. Jo puri cast hai aaj hamare saath, wo sab appreciate kar rahe hain, wah kar rahe hain. Why? Because of this man's hard work and Divya, the actress. जो हमारे साथ हमारे काफ़ी गानों में है और पूरी फिल्म में ही है वो ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग द मेजर रोल अक्षय एवरीवन डिड सो ग्रेट नितिन सर हैड प्लेड अ बिग 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 सपोर्ट एंड दिव्या दिव्या इज ऑलरेडी एंड दिव्या And I don't feel offended no I don't I know he's I very didn't good see you in the frame so I thought you were amazing क्या मैं बोलूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरे फिल्म का प्रीमियर है दिस इज माय फर्स्ट मूवी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग इट विल डू वेल
एंड आगे भी मैं अच्छा प्रोजेक्ट करती रहूँ और इससे अच्छा कुछ करूँ एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड. और भी कुछ आपको पूछना है तो यू कैन आस्क. सो इससे हम नजर आ रहे हैं कैसे आना हुआ आपको बहुत कम नजर आ रहे हैं. हाँ मैसेजेस तो बहुत आते रहते हैं, जब कोई प्यार से बुलाता है तो हम आते हैं. और शिवा ने डायरेक्ट की है तो बनता है हमारा शिवा को एक मॉरल सपोर्ट देना और खुश है हम. शिवा ने डायरेक्ट की है. क्या बोल रहे हैं आप? बहुत से ऐसे एक्टर हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने अनगिनत फिल्में दी, अनगिनत किरदार दिए, वजह ज़िंदगी में बहुत सारी होती है, एक गलतियाँ निकालोगे हज़ारों निकलती है. गलतियों से हट के हम पॉजिटिवली बात करें और अच्छाई में चलें. जब एक एक्टर अच्छा काम करता है उसकी सहानुभूति करनी चाहिए और उसको सराहना चाहिए. जब एक आर्टिस्ट जब होता है, आर्टिस्ट तो वैसे भी क्रिएटिव होता है और क्रिएटिविटी उसकी जब पता लगती है वो ऑलरेडी जब ये परफॉर्मेंस कर रहा होता है तो वो परफॉर्मेंस जब अपना एक किरदार निभा रहा होता है तो वो किरदार में पूरा 100% जाकर के एक आर्टिस्ट अपना परफॉर्मेंस देता है. तो जब एक आर्टिस्ट डायरेक्ट करता है उसी चीज़ को तो उसमें 100 का 200% ज़्यादा डाल करके अपने आप को डायरेक्शन में जाता है. बिग बॉस से एक्सपेक्टेशन तो हम सबकी हमेशा एक्साइटिंग रहती है. अब 3 महीना 10:30 बजे से लेकर के जो जितना ड्यूरेशन है एंटरटेनमेंट. और ये इस बारी जो बिग बॉस की कास्टिंग है और इस बारी जो बिग बॉस का सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को लेकर के है, धमाल तो तैयार रहिएगा बहुत सारा. और सोने पे सुहागा भाईजान है, कमाल और धमाल तड़का लगेगा, बहुत सारे लौंग इलायची मिर्ची. याद है ना कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर. जो ये युद्ध होगा अंदर घर के अंदर, अपने अपने तड़के लगेंगे, जो अपने अपने तौर तरीके के जो तड़के लगाते दिमागी. सबसे बड़ा तड़का तो बिग बॉस है, जो तड़का खेलते हैं आपके जहन के साथ, आपके इमोशनल बिहेवियर के साथ और आपके आप जिस ढंग के इंसान हो उसी तरह से बिग बॉस आपके साथ जो खेल खेलते हैं उसका एक मज़ा ही कुछ और है. इट्स वेरी एंटरटेनिंग. मेरा तो पर्सनल बहुत ही एक फेवरेट है और एंटरटेनमेंट एक आपको टीवी पर सलमान भाई दिखेंगे इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. एंजॉय द शो. थैंक यू मैम. एक सेकंड, थोड़ा सा बूम नीचे करता है. रोल सुधीर, टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ यू लैंडेड अप, हाउ यू हैव गॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. सॉरी कम अगेन. हाउ वाज योर जर्नी, लाइक हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट. फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली आई वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम. देयर वाज hunar.com एक साइट थी जहाँ पे आई लॉग्ड इन एंड आई अपलोडेड फ्यू ऑफ माय रैंडमली क्लिक्ड पिक्चर्स एंड फ्यू ऑफ द पीपल दे अप्रोच मी. तो बहुत सारे लोग फेक भी होते हैं, बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं, तो मुझे फेक लोगों ने ज़्यादा अप्रोच किया. बट व्हाट हैपेंड इज कि उससे ना मेरा ऐसा ट्रिगर हो गया एक्टिंग का कि यस चलो इतना लोग कर रहे हैं मुझे सपोर्ट और इतना ज़्यादा सामने से आके मुझे कॉल कर रहे हैं मेरी जस्ट नॉर्मल पिक्चर्स की वजह से. तो आई थिंक आई शुड ट्राई. देन फिर अगेन आई वॉज डूइंग स्टडीज और साथ में मैं अपना प्रोफाइल भेजती रहती थी. तो मुझे पहली फिल्म जो मिली थी लव यू सोनिया मिली थी. आई डिड अ स्मॉल कैरेक्टर ओवर देयर जिसका एक ही डायलॉग था जो मुझे याद है, जिसमें मैंने बोला है ये उल्लू तो रात को जगते हैं ना, ये दिन में कहाँ से निकला. ये एक डायलॉग है जो बहुत ही अच्छा डायलॉग है और वो सीन भी बहुत अच्छा है. बट इट वॉज अ वेरी स्मॉल कट, बट इट वॉज स्टार्ट ऑफ माई जर्नी एंड आई ग्लैड आई गॉट इट. एंड आफ्टर दैट आई गॉट वन मूवी कैलेंडर गर्ल, जिसमें भी मतलब
अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे वो फिल्म तो आप ढूंढ लोगे मुझे. इतना छोटा कैरेक्टर किया है मैंने. बट फिर उसके बाद आई स्टार्टेड वेटिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट बिकॉज आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई शुड डू क्वालिटी वर्क रादर देन क्वांटिटी वर्क. मतलब कोई भी चीज़ अपने प्रोफाइल में ऐड करने से ज़्यादा अच्छा है कि आई शुड हैव पेशेंस फॉर द गुड वन एंड द बेस्ट वन. तो आई वेटेड, आई ग्रूम्ड माई सेल्फ, आई डिड एक्टिंग क्लासेस, आई डिड मार्शल आर्ट्स, आई डिड स्विमिंग, आई डिड ड्राइविंग क्लासेस, आई वर्कड आउट इन जिम, लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत की. और फिर उसके बाद फाइनली आई गॉट दिस मूवी थ्रू वन ऑफ माई फ्रेंड शिवा रमदानी, एज यू ऑल नो. एंड वो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, तो उन्होंने बस ऐसे ही लाइक आई यूज टू कीप ऑन सेंडिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज, टिकटॉक वीडियोज. तो ही सॉ दैट टैलेंट एंड ऑल ऑफ अ सडन ही कॉल्ड मी, दिव्या आई एम मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू डू वन कैरेक्टर. एंड एट दैट मोमेंट आई डिडंट नो दैट इट वॉज वन ऑफ द लीड्स. आई थॉट इट्स जस्ट वन कैरेक्टर, अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर विच आई ऑलवेज वॉन्टेड. आई वॉज ओपन टू दैट. I was open to prominent character in any project. So I'm like really happy now. Today is the day and it's my day and I'm enjoying it. Is movie ko loge kitna excited hai? Mam aapne already kafi kaam kiya, but isme kya challenging part hua hai aur film ki tarah story hai, kya kehna chahenge uske bare mein? Challenging part ye hai ki ye mere liye to bahut hi challenging tha because it's a bold stuff aur ek ladki ke liye bold karna it's bit difficult as everyone know. And ये चीज़ एक तो डिफ़िकल्ट ये भी है कि बोल्ड पार्ट करना, और दूसरा ये भी डिफ़िकल्ट है कि ये जो कैरेक्टर है ना ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है. एज यू सी द नेम ऑफ द मूवी कैनी ट्विस्ट, तो जो मेरा कैरेक्टर है वो भी थोड़ा ट्विस्टेड है. वो आपको स्टार्टिंग में जब मूवी देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा. जो मेरा लुक दिया है वो छोटे बालों में ब्लंट, तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा तो कुछ है इसमें मिस्ट्री. That's all I would like to say. Okay, you have signed any future projects, like anything that is coming up after this movie? Yes, I have signed few projects, but my belief is like that ki agar aap logo ko bata do to kaam nahi hota hai. But yes, I'm definitely doing few projects in future which is there in pipeline, and you will see me on screen back in a very good position, in a very good platform. And main wapas bulaungi aap logo ko dekhne ke liye. ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, कितना ऐसा रीजन है मूवी को जो उन्हें देखने जाना देखना चाहिए? इफ यू वांट टू क्रैक योर माइंड, मतलब आपको अगर कोई ऐसी चीज ऐसा स्टफ पसंद है फिल्म में, यू आर बोर्ड ऑफ रोमांटिक एंड यू आर बोर्ड ऑफ एनीथिंग एल्स, यू लव थ्रिलर, देन यू शुड गो. एंड इन दिस मूवी द बेस्ट पार्ट इज यू विल गेट टू सी कॉमेडी, थ्रिलर, रोमांस, सेडक्शन, एवरीथिंग. इट्स अ कॉम्बिनेशन. So you should go and watch it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir.